मार्केट का बटर और घी का टेस्ट तो आप सभी ने किए होंगे, लेकिन अपने घर पे अपने हाथों से बने हुए बटर और घी का टेस्ट तो कुछ और ही है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में मैं आज अपने ही घर पे दूध की मलाई से बटर और घी बनाने वाली हूँ। अगर इस वीडियो को पसंद आएंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बटर बनाने के लिए हमें दूध से मलाई को निकाल के एक कंटेनर में रखेंगे। ये मलाई हम 7 से 10 डेज तक रख सकते हैं। अगर 10 डेज से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएंगे और बटर का टेस्ट ख़राब हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरी डे वन कलेक्शन है। मलाई निकले हुए दूध का एक और फ़ायदा है, क्योंकि जब हम उससे मलाई निकालते हैं तो उसमें से हमारा फैट कंटेंट कम हो जाता है और दूध और हेल्दी हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये मेरा डे टू कलेक्शन। ऐसे ही हम रोज़ 7 से 10 दिन तक मलाई को निकाल के उसको स्टोर करके रखेंगे और हमें इसको फ्रिज में ही रखना है। मलाई को हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और उसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी का टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। विंटर के मौसम में हम लुकवार्म पानी लेंगे और समर के मौसम में हम ठंडा पानी लेंगे। कई बार समर में आइस क्यूब्स की ज़रूरत भी हो सकती है। मलाई को अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 सेकेंड ब्लेंड करेंगे, लेकिन हमें बीच में देखना पड़ेगा जार को खोल के। अगर बटर और बटर मिल्क सेपरेट हो जाता है तो हम उसी टाइम ब्लेंडिंग स्टॉप करेंगे। देखिए दोस्तों, अब मेरी बटर और बटर मिल्क सेपरेट हो गया है। अभी मेरी बटर ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। इसके बाद हम बटर को एक कंटेनर में सेपरेट करेंगे। ये हमारी लास्ट स्टेप है। और बटर को अच्छे से हम इसको रिंस करेंगे। हम इसको 2 से 3 टाइम्स रिंस करेंगे। पानी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, हमें और रिंस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अभी होममेड वाइट बटर रेडी है दोस्तों। प्लीज़ पक्का से ट्राई कीजिएगा और बताइएगा इनका टेस्ट आपको कैसा लगा। बटर से घी बनाने के लिए मैंने 3 वीक्स का बटर लिया है। देखिए दोस्तों, ये मेरे 3 वीक्स का बटर कलेक्शन है। इसको एक पैन में डाल के पिघलने देंगे और गैस का स्टोव जो है मीडियम फ्लेम में रखेंगे।
देखिए मेरा ये अभी कलर चेंज हो रहा है, अभी गोल्डन कलर होने लगा है। अब एक अच्छी वाली खुशबू आना शुरू हो जाएंगी, एक अच्छा वाला जैसे होता है ना दोस्तों घी की खुशबू, अभी आना शुरू हो गई है। और थोड़े टाइम पे जो है एकदम ब्राउनिश कलर हो जाएंगे, देखिए जैसे मैंने इसमें दिखाया गया है, जो डार्क ब्राउन है दोस्तों ये इम्प्योरिटीज है। इसको हम थोड़ा टाइम के लिए रखेंगे ताकि जो इम्प्योरिटीज थे वो सब नीचे हो जाएंगे और ऊपर जो है हमारे अच्छे वाले खुशबूदार वाले घी आ जाएंगे दोस्तों। इसके बाद हम इस घी को अच्छे से सीव कर देंगे। अगर हमें इसमें छन्नी नहीं भी यूज़ करना होगा तो एक पतला सा कपड़ा हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमारे होममेड घी भी रेडी है, बहुत अच्छी टेस्ट है इसकी, खुशबू भी बहुत अच्छा है। आप जरूर इसको भी पक्का से दोस्तों ट्राई करना।